पहले सेवेंथ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, एट या नाइन बोला होगा शायद मैंने। अच्छा प्रैक्टिकल टू का ना। ओ ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेट मी जस्ट राइट द फंक्शन फर्स्ट। मैंने जस्ट पीसी में ओपन किया। दैट इज कौन सा क्वेश्चन है? प्रैक्टिकल टू का क्वेश्चन नंबर सेवन। ओके सो योर एफ फ्रॉम जीरो वन टू आर इज रेमन इंटीग्रेबल इंटीग्रेबल एंड व्हाट इज गिवन? यू आर गिवन your f of x is equal to 1 when 1 by 2 is less than x is less than 1. What next? If it is 1 by 2 when 1 by 2 square is less than x is less than 1 by 2. Okay, like that. So सब साथ में करेंगे। तुम लोग भी नोटबुक स्टार्ट कर लो। नोटबुक स्टार्ट करो, तुम लोग ही करो। So this is 1 upon 2 raised to n when 1 upon 2 raised to n minus 1 is less than x is less than 1 upon 2 raised to n. Okay. So this is the question. Show क्या करना है? To show integration 0 to 1 f is equal to 2 by 3. Is that clear? Yes. सुन रहे हो तुम लोग? आवाज आ रही है तुम लोग को? Yeah. So let us see graphically what is the meaning of this function first. फिर आगे देखेंगे प्रूफ और एवरीथिंग। लेट अस सी ग्राफिकली। ओके सो यू सी 0 टू 1 इंटरवल की बात हो रही है, तो मैं 0 टू 1 प्लॉट कर देता हूँ। सपोज दिस इज 0, दिस इज 1, समथिंग लाइक दिस। ओके एंड व्हाट डू यू नो? हाफ टू 1 के बीच में फंक्शन मेरा 1 है, मतलब से यहाँ पे कहीं पे मेरा 1 है। सी दिस इज हाफ, सो हाफ टू 1 में मेरा फंक्शन 1 है, कॉन्स्टेंट फंक्शन। डू यू सी? What next? 1/4 और 1/2, मतलब क्या? ये दोनों का हाफ, इसके और इसके बीच में फंक्शन मेरा क्या है? हाफ है। इज दैट क्लियर एवरी वन? यस, दिस इज 1/2 स्क्वायर एंड ये दोनों के हाफ, मतलब यहाँ पे फंक्शन मेरा ये है, दैट इज 1/2 स्क्वायर। इज दैट क्लियर कि ये कैसा फंक्शन आ रहा है? स्टेप फंक्शन परफेक्ट है, गुड। एंड कैन यू गिव मी अ पार्टीशन? स्टेप फंक्शन में मैंने क्या बताया था? पार्टीशन क्या लेने का? जो भी तुम्हारे नोट्स हो, स्टेप्स के नोट्स हो, मतलब ये दिस इज द ओनली पार्टीशन फॉर मी। मतलब क्वेश्चन में तुमको पार्टीशन पहले से ही दिया है, समझ रहे हैं क्या? डू यू अग्री? ग्राफिकली पहले मैंने प्लॉट किया, देन वी सी दैट ये स्टेप फंक्शन के जैसा दिख रहा है एंड स्टेप फंक्शन के लिए मेरे पास पार्टीशन चाहिए। सो आई एम ऑलरेडी हैविंग द पार्टीशन। इज दैट ओके? सॉरी, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके सो नाउ लेट अस डू दैट इज अपने को सॉल्व क्या करना है? यूपीएफ एलपीएफ, बट डू यू सी यूपीएफ और एलपीएफ दोनों सेम रहेंगे इधर? अगर मैंने पार्टीशन लिया, लेट पी इज इक्वल टू, व्हाट इज द पार्टीशन? 0 यहां से, हाँ 1/2 raised to n, 1/2 raised to n minus 1, up to 1/2, 1. Is that clear? This is my partition. V partition of interval 0. Is that clear everyone? समझा ये partition कैसे मिला मेरे को? ये जो function के end points थे ना, उनको साथ में collect किया, that's it. Is that okay? ओके
नाउ ऑब्जर्व समथिंग, मतलब ये इंटीग्रेशन मतलब क्या, एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर दिस, एरिया अंडर दिस, समझ रहे हैं, करेक्ट? सो ये केस में अगर ये इंटरवल की बात किया मैंने, इसमें एलपीएफ और यूपीएफ सेम है, करेक्ट? सो डायरेक्ट मेरा जो भी वैल्यू आएगा यूपीएफ का बोलो या एलपीएफ का बोलो, दैट विल बी माय वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, डू यू एग्री? परफेक्ट हो गया, फिर क्या करना है इसमें, जैसे पार्टीशन मिल गया ना, यू कैन इवन यू कैन डू वन मोर थिंग, ये 0 to 1 है ना, ये इंटीग्रेशन को ही ब्रेक कर सकते हो, 0 to 1 एफ को ब्रेक कर सकते हो, कैसे, 0 to 1/2 raised to n प्लस 1/2 raised to n to 1/2 raised to n-1 प्लस ऐसा ऐसा, समझ रहे हैं, यही मैं कर रहा हूँ एक्चुअली, बिकॉज योर फंक्शन को ही ऐसा वो लोग ने ब्रेक करके दिया है। सो नेक्स्ट लास्ट वन क्या रहेगा, 1/2 to 1, समझा? You will observe ये something telescopic के जैसा दिखेगा, is that clear everyone? So let me focus on this one, partition में partition मिला, अभी क्या करने का, you already know integration 0 to 1 f of x dx क्या आएगा, ये that is summation of mi बोलो या xi बोलो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, correct? Let me write एम आई, और कौन सी वैल्यू पे सेम है ये, ओ सॉरी यहाँ पे इक्वल किस पे है, इस पे इक्वल है ना, ये एंड पॉइंट्स पे इक्वल है, ठीक है? सो व्हाट शुड आई डू, मे बी मैं डायरेक्ट यहाँ पे, और कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, ये एम आई लिखा या कैपिटल एम आई लिखा, समझ रहे हैं तुम लोग को, दोनों सेम ही है बिकॉज फंक्शन इज कॉन्स्टेंट इन दैट। सो ये एक्सपांड वेरिजन में लिखते हैं, ये वेरिजन में कन्फ्यूज हो गए, तो लेट अस पुट एक्सपांड वेरिजन, व्हाट इज योर एक्सपांड वेरिजन, दैट इज लेट अस सी फर्स्ट इंटरवल, फर्स्ट इंटरवल क्या है, 0 to 1/2 raised to n में वैल्यू क्या है फंक्शन का, दैट इज नेक्स्ट पार्ट, दिस इज 0 into ये है, दैट इज 1/2 raised to n इज लेस देन x इज लेस देन 0, एक और जो हिडन है, दैट इज व्हाट आई एम राइटिंग हियर, डू यू एग्री? सो फर्स्ट पार्ट यही आएगा मेरा, दैट इज 0, फंक्शन का वैल्यू 0, इंटू ये क्या आएगा, 0 माइनस कुछ भी लो, 0 - 1/2 raised to n, करेक्ट? या आई थिंक इसको मुझे 0 ही कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज बाकी सबके लिए फंक्शन 0 है, योर फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, सो आई एम जस्ट राइटिंग एक्स, नेक्स्ट पेज पे मैं लिखता हूँ, नो इश्यू। So I want to add this all sub rectangles. So first देखो कौन सा वाला, first ये कौन सा आएगा, ये बना ना, what is the length of interval and what is the function, function is 1/2 raised to n, so it will be 1/2 raised to n, what is the length of interval, can you tell me, upper limit minus lower limit, no, 1/2 raised to n minus 1/2 raised to n-1, do you agree? ये इंटरवल है, ये इंटरवल, ये एन प्लस वन है क्या, हाँ ज़्यादा रहेगा ना तभी, करेक्ट, एन प्लस वन है, यहाँ पे देखो ना, ये 1/2 है तो ये टू, करेक्ट, सो ये क्या आएगा, 1/2, यस, इज दैट ओके? व्हाट इज नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, इसके पहले वाला टर्म क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक, जो टर्म यहां पे है वो यहां पे, करेक्ट, डू यू सी दैट, सो इसके ऊपर वाला टर्म कोई बताएगा क्या आएगा, वन अपॉन टू रेस टू एन टू वन अपॉन टू रेस टू
n minus 1. Do you agree, everyone? Correct. So what is the length here? Length क्या आएगा? ये minus ये and value क्या आएगा? Function का ये value आएगा. Do you see? Can I write in general? अभी देखो, मतलब वो क्या आएगा? 2 raised to n minus 1. और यहाँ पे क्या आएगा? 1 upon 2 raised to n minus 1 minus 1 upon 2 raised to n. This is what you said. Perfect. Do you agree? Can you tell me the third term क्या आएगा ये? 2 raised to n minus 2 आएगा और ऐसा. Last term क्या आएगा मेरे को? Last या second last भी चाहिए. दो term लिखते हैं. चलो ये भी लिखते हैं. ठीक है? ये क्या आएगा? 1 by 2 into 1. Perfect. And last term क्या आएगा? 1 into 1 minus 1 by 2. यही है. देख लो एक बार. समझा क्या? कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने. जस्ट ये स्टेप फंक्शन था. पार्टीशन अपने को नोट्स होता है स्टेप फंक्शन में. एंड दैट्स इट. अभी जस्ट ये अपने को सॉल्व करना है. एंड लास्ट में क्या लिखना है? लिमिट n goes टू इन्फिनिटी. लिमिट अप्लाई करना है. दैट्स इट. दिस इज सिंपल समथिंग लाइक अ सीरीज इफ यू सी प्रॉपरली. सो ऑब्जर्व समथिंग. क्या कर सकते? देखो जो हर एक ब्रैकेट है ना उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं. ठीक है? जो भी ब्रैकेट्स है ना ये 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 वर्ड यू सी. क्या करें इसमें? क्या करें हम लोग? कट तो होगा बट रुक जा थोड़ा सा. मैं क्या सोच रहा हूँ, देख ना, इसका बेस 2 रेस टू एन प्लस 1 है ना. इसका 2 रेस टू एन, सो कैन आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. सो जस्ट आई वांट टू राइट इट एज 2 रेस टू एन. दिस विल बी 2 माइनस 1, दैट इज 1 अपॉन हो जाएगा ये 2 रेस टू एन इंटू 2 रेस टू एन प्लस 1. डू यू एग्री? सॉरी, 2 रेस टू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 1 आएगा ना. ये तो सेम ही रहेगा. डू यू एग्री? यही आएगा क्या? जस्ट चेक करो. इधर क्या किया मैंने? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया. सो बेस इज सेम. नाउ डिनोमिनेटर इज सेम. दिस इज 2 माइनस 1 1. सो ऊपर 1 आ गया, नीचे 2 रेस टू एन प्लस 1. डू यू एग्री? सेम इन द सेकेंड केस. 2 रेस टू एन माइनस 1 इट विल बी, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी जस्ट 1 अपॉन 2 रेस टू एन. करेक्ट एवरीवन? साथ में हो ना तुम लोग? ओके परफेक्ट. नेक्स्ट कैन आई सिमिलरली डू? इधर क्या आएगा 1 बाय 2 में? 1 बाय 2 स्क्वायर आएगा. एंड लास्ट वाले में क्या आएगा? 1 इंटू 1 बाय 2 आएगा. डू यू एग्री? यस. व्हाट नेक्स्ट? अभी क्या करूं? एनीवन? मल्टीप्लाई सी अपने को क्या यूज़ करना है जानते हैं? ज्योमेट्रिक सीरीज यूज़ करना है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो जो अंदर वाला टर्म है वो दिख रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है. इवन एक्चुअली मेरे को ये करना नहीं चाहिए था बट फिर भी चलेगा, नो इश्यू. डू यू सी? यहाँ से अगर देखा तो मेरे को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है अंदर वाला टर्म. करेक्ट? बट द थिंग इज दैट ये है, ये 1/2 है, सब सेम रहने चाहिए, तब अलग कर सकता था ना मैं. या आई थिंक ब्रैकेट ओपन करना वॉज मच बेटर. हाँ, ब्रैकेट ओपन करना ईजी हो जाता. क्यों ईजी हो जाता समझो? ये देखो, ये फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करता तो दिस वॉज 1, दिस वॉज 1/2 का स्क्वायर, नेक्स्ट 1/4 का स्क्वायर, ऐसा आ जाता. डू सी? हेलो. जस्ट अपने को अभी सॉल्व करना है ये.
मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, ये टू रेज टू एन प्लस ई, लेट अस सी। सो मल्टीप्लाई करते छोड़ो, ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये वन अपॉन टू रेज टू टू एन प्लस वन आएगा, एंड ये क्या आएगा, वन अपॉन टू रेज टू टू एन माइनस वन ना, इधर क्या आएगा, वन अपॉन टू रेज टू थ्री एंड दिस इज वन अपॉन टू, यही आएगा ना। डू यू सी दिस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हो गया ना काम अपना, यस हो गया। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू क्यूब एंड लास्ट के दो टर्म ऐसे ही, वन अपॉन टू रेज टू टू एन माइनस वन प्लस वन अपॉन टू रेज टू टू एन प्लस वन। चेक करो पहले, व्हाट इज दिस अपॉन दिस, वन अपॉन टू स्क्वायर ना, हाँ। और व्हाट अबाउट दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, जस्ट डू दैट, ये अपॉन ये क्या आएगा, दैट इज टू एन प्लस वन माइनस टू एन प्लस वन हो जाएगा, टू एन का सही यस परफेक्ट काम हो गया अपना। डू यू सी एवरीवन, यस नाइस। सो कैन आई यूज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नाउ, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर कैन यू टेल मी, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, हेलो, शैल आई गो अहेड, क्या आएगा, इफ यू वांट, अगर तुम लोग को ऐसा नहीं जम रहा है तो वन बाय टू कॉमन भी ले सकते हो सब में से, वो भी चलेगा। और अगर डायरेक्ट ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगाना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, ए वन बाय टू वन माइनस आर रेज टू एन, वन माइनस आर रेज टू एन अपॉन वन माइनस आर, व्हाट इज योर आर, वन बाय टू स्क्वायर ना, एंड व्हाट इज योर nth टर्म, वन अपॉन टू रेज टू टू एन प्लस वन, जो कि ये nth टर्म कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज लिमिट अप्लाई करोगे तो ये टर्म जीरो ही हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, ये क्या आएगा, फोर ना, दिस इज वन बाय टू एंड दिस इज, लेट मी कीप इट एज इट इज, ये पार्ट मेरे लिए कुछ मायने नहीं करता, टू एन प्लस वन एंड दिस विल बी, ये टर्म क्या आएगा, थ्री बाय फोर आएगा। डू यू सी नाउ, अभी क्या करने का, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करने का, करेक्ट। सो योर इंटीग्रेशन, सो ये इन्फिनिटी अप्लाई किया तो ये टर्म क्या आएगा, वन बाय टू अपॉन थ्री बाय फोर आएगा, दैट इज वॉट, क्या आएगा आंसर, टू बाई थ्री ना, यही शो करना था क्या, जस्ट चेक करो, परफेक्ट नाइस फाइनली समझा क्या, मेन पूरा ऑब्जर्वेशन पे गया पूरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन देख के तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही था कि ये स्टेप फंक्शन के जैसा दिख रहा था, तो मतलब पार्टीशन अपने को अलग से नहीं देना है, पार्टीशन ये लोग ने दिया ही है बट फॉर्म में नहीं दिया था, गुड। सो फर्स्ट मैंने क्या किया, पार्टीशन लिखा जीरो टू ये पार्टीशन में फंक्शन जीरो है, ये पार्टीशन में फंक्शन क्या है, वन अपॉइंट टू रेस्ट वन, ये देखो दिख रहा है, वन अपॉन टू रेज टू एन, इसमें ये है, इसमें ये है। सो जस्ट हम लोग ने ऑब्जर्व किया पैटर्न, देन वी ट्राई टू सी, मतलब करना क्या है मेरे को, हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, दैट्स इट। लास्ट में लिमिट एन गोइंग टू इन्फिनिटी कर दूंगा तो जो भी मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा, दैट विल गिव मी परफेक्ट एरिया, एक्चुअल एरिया। सो फर्स्ट क्या किया, वन अपॉन टू रेज टू एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वन अपॉन टू रेज टू एन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सेम। नेक्स्ट क्या किया, दोनों को सॉल्व किया, लेट्स मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल हो गया। इज दैट क्लियर एवरीवन, समझा सबको, नाइस। जो क्वेश्चन नंबर एट की बात कर रहा था ना, वो भी इसी पैटर्न में था, इसीलिए मैंने मतलब पहले ये कराया। यू कंप्लीट इट, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। ये मत लिखो, इसको थोड़ा पहले अच्छे से लिखना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं पता है,
लिमसम का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वी आर नॉट यूजिंग एलपीएफ यूपीएफ हियर, वी आर डायरेक्टली फाइंडिंग ना, वी आर डायरेक्टली फाइंडिंग एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल. सो दिस इज समेशन ऑफ एफ ऑफ क्या था यहाँ पे, क्या आएगा एक्स आई माइनस वन, ये क्या है एफ ऑफ एक्स आई, करेक्ट. एंड दिस इज आई इक्वल टू कहाँ से लेके वन से लेके एन, यस एन, एन प्लस वन होएगा क्या, एन ठीक, ओके यस. एंड यहाँ पे क्या आएगा लिमसम लिमिट. This is what we are expanding. मतलब बाहर कौन है, लिमिट है, लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी है. इज दैट क्लियर, शैल वी गो अहेड. गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखो पहले, लेट मी राइट. सेम वही प्रैक्टिकल 2 का क्वेश्चन नंबर 8. शो दैट द फंक्शन एफ फ्रॉम 0 1. सी फर्स्ट केस, अगर तुम्हें ग्राफ समझ गया फंक्शन का तो दैट्स इट. सो बाकी बस तुमको समझना है कि इंटीग्रेशन क्या होता है, एरिया होता है. एरिया मतलब क्या, इवन ये देखो, ये एक्चुअली जो भी मैंने किया है ना, ये सब जो भी मैंने किया है, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग दिस थिंग, मैं यही कर रहा हूँ. अगर थोड़ा ध्यान से देखो तुम लोग, तो इसको ब्रेक किया ये पार्ट में, हर एक का वैल्यू निकाला, करेक्ट, हर एक इंटीग्रेशन का वैल्यू निकाला, एंड देन एडिंग देम, और लास्ट में यहाँ पे लिमिट लगा दो, लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी. डू यू अग्री, जो भी मैंने ये लिखा है दैट इज सेम थिंग, वही लिखा है मैंने, जो भी मैंने ये पूरा लिखा है दैट इज इंटीग्रेशन. ओके, दिस इज रेमान इंटीग्रेबल, एंड व्हाट इज द फंक्शन, यू आर गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/n फॉर 1/n+1 is less than x is less than equal to 1/n, okay, and also f of 0 equal to 0 for all n belong to, yeah, f of 0 for others. So do you see, ye pehle jaisa hai kya question ye, what do you think the graph will be, let me see the graph first, kaisa aayega. एन इक्वल टू वन, पहले 0 to 1 इधर भी बना देता हूँ मैं, 0 to 1 यहाँ पे भी 0 to 1. व्हाट डू यू थिंक, इफ आई पुट एन इक्वल टू वन तो ये फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, ये इंटरवल क्या रहेगा, यस एनी वन, व्हाट विल बी माय इंटरवल, वन टू टू ना, दैट इज हाफ टू वन. इफ एन इक्वल टू वन पुट किया तो दिस इज 1/2 एंड दिस इज 1. मतलब हाफ टू वन में, दिस इज हाफ, हाफ टू वन में वैल्यू क्या है मेरा, 1. मतलब फंक्शन इज 1. इज दैट ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन. इफ आई पुट एन इक्वल टू 2 हियर तो क्या आएगा इंटरवल, दिस इज 1/3 to 1/2. मतलब यहाँ पे क्या आएगा, अभी 1/3 आएगा, वहाँ पे फंक्शन क्या है मेरा, हाफ है. डू यू अग्री, ये केस में तुमको पार्टीशन दिख रहा है क्या, क्या आएगा नेक्स्ट, 1/4, नेक्स्ट 1/5. कैन यू सिमिलरली डू दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक योर पार्टीशन वुड बी, लेट मी राइट द फंक्शन एक्सप्रेस, दैट इज इक्वल टू 1 व्हेन योर फंक्शन इज 1/2 से लेके x इज लेस देन 1 पे है, करेक्ट. नेक्स्ट व्हाट, दिस इज 1/2, ये कहाँ से है, 1/3 लेस देन एक्स इज लेस देन 1/2. नेक्स्ट, मतलब ये भी पहले जैसा ही क्वेश्चन है, हाँ, जस्ट वो थोड़ा इन टर्म्स ऑफ फंक्शन में दिया है. इज दैट ओके, डू यू अग्री एवरीवन.
Okay, can you do this question? Shall we start now? Let us see. So इधर भी क्या करने का, इंटीग्रेशन 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट विल बी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समेशन एफ ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस 1. ओके, लेट अस पुट द वैल्यूज. लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, पहले पहला पुट करते हैं. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पार्टीशन, कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द पार्टीशन पी, लेट मी राइट इट हियर. व्हाट इज द पार्टीशन पी, यस, पार्टीशन मोस्टली मैंने एक्चुअली इंक्रीजिंग वे में लिखता हूँ, दैट सीम्स बेटर आई थिंक. इज दैट ओके, डू यू अग्री, यही पार्टीशन रहेगा. परफेक्ट, यस. सो आर वैल्यू स्टार्ट किससे होएगा, पहले इधर ही से होएगा, जो भी फंक्शन तुम्हारा दिया था, ये 1 अपॉन एन प्लस 1, और ये मतलब क्या आएगा, 1 अपॉन एन इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस 1. डू यू अग्री. नेक्स्ट क्या आएगा, 1 अपॉन एन माइनस 1 ना, इंटू 1 अपॉन एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन एन. डू यू अग्री, हो कि नहीं तुम लोग, मतलब इसके एक पहले का टर्म क्या आएगा, इसके एक प्रीवियस वन, जस्ट ऑब्जर्व दैट. यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक और कम हो गया. इज दैट ओके, जस्ट चेक एंड कन्फर्म एंड टेल मी. इसका दो टर्म लिखता हूँ मैं, दैट इज फर्स्ट टर्म क्या आएगा, ये दैट इज 1/2 माइनस 1/3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 1/3, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, 1 इंटू 1 माइनस हाफ. डू यू अग्री, ओके, व्हाट शुड आई डू नाउ, थिंक अबाउट इट. What should we do now? ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करूं? बट आई डोंट थिंक सो, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करने पे कुछ फायदा है, मुझे नहीं दिखता. Do you see something? Anyone? Okay, I think मुझे जस्ट एक पार्ट तुम लोग को शायद सीरीज में बताना चाहिए था, मे बी पहले ही. दैट इज एक है, दैट इज वी आर गोइंग टू यूज दिस समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6 होता है. इसका प्रूफ एक्चुअली फोरियर सीरीज से होता है, जो कि सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने वैल्यू नहीं बताया. वी जस्ट टॉक्ड अबाउट दिस इज कन्वर्जेंट, बट दिस कन्वर्ज टू पाई स्क्वायर बाय 6. डू यू सी, यहाँ पे वो टर्म दिख रहा है मेरे को, यस एवरीवन, डू यू सी दिस थिंग देयर, वेयर इज दैट, ब्रैकेट ओपन किया मतलब फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई. डू यू सी, सबका फर्स्ट टर्म देखो, 1 अपॉन एन स्क्वायर, 1 अपॉन एन माइनस 1 स्क्वायर, समझा क्या मतलब, दिस इज व्हाट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी. इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ. फर्स्ट क्या है, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इट विल बी 1/2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. इज दैट ओके. एंड नेक्स्ट टर्म क्या है, माइनस कॉमन ले लो, दैट इज व्हाट,
1 upon n into n plus 1 plus 1 upon n minus 1 into n plus 1 upon, correct, something like that. And last term will be 1 by 2 into 3 plus 1 upon 2. Is that clear? Do you agree, everyone? Hello. Okay, so what is this value? ये n equal to 1 to infinity है, मतलब अगर partial sum लिया तो क्या आएगा? Partial sum मतलब up to, actually मुझे यहाँ पे k बोलना चाहिए था, then k equal to 1 to put किया तो this is actually partial sum है उसका. So मतलब ये term का value क्या आएगा? Pi square by 6, do you agree? जो first bracket लिखा है उसका value क्या आएगा? Pi square by 6. What about second bracket? इसके बारे में भी मैंने बात किया था तुम लोग से, अगर तुम लोग ने ध्यान दिया होगा तो. Anyone, do you observe? ये दोनों नंबर को ध्यान से देखो, हम लोग ने बात किया है ऐसे टाइप की सीरीज को. परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो मतलब कैसा लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन n और n प्लस 1 को 1 अपॉन n माइनस 1 और n प्लस 1. ऊपर वाले टर्म को मैं पाई स्क्वायर बाई 6 लिख देता हूँ, माइनस नीचे वाले टर्म को मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 पहला ब्रैकेट, सेकंड को 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 बाय n. कैन आई राइट लाइक दिस, सॉरी सब्ट्रैक्ट ना, यस याद है, फिर क्या आता है ये टर्म क्या आएगा, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 एंड लास्ट टर्म क्या आएगा, दैट इज ये आई थिंक बड़ा वाला टर्म पहले आता है ना, ओके आई विल राइट इट इन द नेक्स्ट पेज मे बी बेटर व्यू के लिए. सो फर्स्ट पार्ट मिल गया अपने को, सो लेट मी पुट इट, पाई स्क्वायर बाय 6 हियर, नेक्स्ट लिमिट प्लस, सॉरी माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, द फर्स्ट टर्म इज 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1, इसको क्या लिखूं मैं, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 3 को क्या लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 ना, करेक्ट. 1 अपॉन 3 इंटू 4 को क्या लिखते हैं, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, डू यू एग्री, यस. सो सिमिलरली हर एक टर्म को मैं ऐसे ही लिखने वाला हूँ, पहले छोटा टर्म फिर बड़ा टर्म. सो फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सेकेंड टर्म क्या आएगा, 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन n, करेक्ट, डू यू एग्री. हेलो, ये माइनस 1 अपॉन n इससे कटेगा, ये भी किसी बंदे से कटेगा ऐसे ही, और लास्ट टर्म क्या है तुम्हारा, दैट इज दो टर्म लिखते हैं, चलो 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 2, दैट इज 1 माइनस, ओके 1 माइनस 1 बाय 2 ना, 1 माइनस 1 बाय 2. व्हाट डू यू सी, इसमें से कौन कैंसिल होएगा, 1 बाय 2 कैंसिल होएगा, मतलब बचेगा कौन सा टर्म, ये और ले, डू यू एग्री, दैट इज पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यू आर रिमेनिंग विद, टेलीस्कोपिक सीरीज इसी को तो बोलते हैं हम लोग, याद है कि नहीं, लिमिट अप्लाई किया तो क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाय 6 माइनस 1, दिस इज योर फाइनल आंसर, समझा क्या. गुड, सी मेन है ये लिमिट सॉल्व करना, एंड इवन इधर भी हम लोगों ने देखा क्या है, ये जस्ट फाइंडिंग द एरिया अंडर दिस, तो अपने को पता है एरिया कैसे निकालने का, इसमें हम लोगों ने कोई भी रेमान इंटीग्रेशन यूज नहीं किया, वी आर जस्ट यूजिंग बेसिक, अपने को हर एक एरिया निकालना है तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, लाइक दैट, दैट इज पूरे इंटीग्रेशन को ब्रेक किया हम लोगों ने, दैट्स इट. जस्ट गो बैक एंड सी वंस अगेन, हाँ ये याद रखना,
समेशन वन अपॉन एन स्क्वायर इक्वल टू पाई। इवन एक दो और थे सीरीज के, मैं जस्ट याद आया तो मैं बताता हूँ, एक समथिंग समेशन एन रेज़ टू 4 का भी था, पाई स्क्वायर बाई 8 था कि ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर इट नाउ। कंप्लीट इट, यस इफ यू आर डन देन टेल मी। यस इज दैट ओके, समझा सबको? ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या है, वन स्क्वायर वन बाई टू स्क्वायर वन बाई थ्री स्क्वायर पार्शियल सम है इसका, इसका आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाई सिक्स एंड उसका ये आंसर दिया है क्या इसमें? नहीं दिया है, ओके शो दैट बस बोला था ना, ठीक है गुड। सो ये हो गया, और कोई क्वेश्चन डाउट था? अथर्व कौन से प्रैक्टिकल का, इसी प्रैक्टिकल का है क्या? प्रैक्टिकल टू का सेकंड वन ये मैंने दिया है क्या? आई थिंक मैंने नहीं दिया होगा, हाँ एक्चुअली बिकॉज ये थोड़ा सा तुम लोग ऑब्जर्व करो तो मैंने इसके बारे में बात किया था, मैंने बोला था ये हम लोग देखेंगे, मैंने दिया नहीं एक्चुअली। ये थॉमाई फंक्शन है, डू यू रिमेम्बर थॉमाई फंक्शन? नहीं, वो तो डिरिचलिट है, दिस इज थॉमे फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो व्हेन एक्स इज जीरो। ये फंक्शन के बारे में मैंने कुछ बताया था, ये थोड़ा सा स्पेशल बंदा है, एनीवन किसी को याद है इसके बारे में? हाँ कंटिन्यू नोवेयर वाला नहीं है, कंटिन्यूस कहीं पे तो कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस एट इरेशनल्स, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस ओनली एट इरेशनल, इसका प्रूफ है उसमें कुमरेशन सर के बुक में देख सकते हो तुम लोग, इवन इसके बारे में बात किया था मैंने, ये फंक्शन रीमान इंटीग्रल होता है, वही देखो मैंने बोला प्रैक्टिकल में आ भी गया, तो इसका प्रूफ मैं भेजता हूँ तुम लोग को, सेंड करता हूँ इसका प्रूफ, डोंट वरी चाहिए तो। देन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, टाइम मिला तो, एक्चुअली टाइम का ही इशू है अभी तो थोड़ा। हाँ इज दैट ओके, दिस इज फॉर माई फंक्शन, यस ओके। देन और कुछ डाउट है, एनीथिंग एल्स? आई होप कि आज तुम लोग सबमिट कर लोगे सब लोग प्रैक्टिकल, दैट इज असाइनमेंट, सेकेंड प्रैक्टिकल का फर्स्ट वाला। हाँ क्या प्रॉब्लम है? सेकेंड पार्ट मतलब प्रूव दैट एफ प्लस जी इज रीमान इंटीग्रेबल, ओके हाउ डिड यू प्रूव एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल? यू आर हैविंग सो मेनी मेथड टू प्रूव फ्लोर फंक्शन एंड ये सीलिंग फंक्शन को इंटीग्रेबल है कि नहीं, क्या यूज़ किया, कैसे यूज़ किया? आइदर यू कैन यूज़ द सेम टेक्निक जो अभी हम लोग ने यूज़ किया, कि मतलब जो भी एंड पॉइंट्स हैं नोट्स हैं उनको पार्टीशन बना दो, पार्टीशन के पॉइंट्स बना दो, एंड यू कैन डू दैट, और यू कैन ऑल्सो से दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन, ऐसा बोल के भी कर सकते हो, करेक्ट? सो सिंस प्रैक्टिकल है तो यू कैन डायरेक्टली डू कि फ्लोर फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इवन सीलिंग फंक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब मोनोटॉनिक हो गया, मोनोटॉनिक मतलब इंटीग्रेबल हो गया। सो इफ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल, वट कैन यू से अबाउट एफ प्लस जी?
इंटीग्रेबल, सो वो भी हो गया ना, वही क्वेश्चन में बोला था, चेक वेदर एफ प्लस जी। तो हम लोगों ने थ्योरम बड़ा सा प्रूफ किया भाई, तुम तो एक प्रॉब्लम बोल रहे हो, समझ रहा है? सो वी कैन यूज आवर थ्योरम्स व्हाट आर वी हैव प्रूव्ड। इफ योर टू फंक्शंस आर इंटीग्रेबल, देयर एडिशन इज इंटीग्रेबल, देयर सब्ट्रैक्शन इज इंटीग्रेबल, मॉड ऑफ एफ इज इंटीग्रेबल, एफ स्क्वायर इज इंटीग्रेबल, एफ इंटू जी इज इंटीग्रेबल। डू यू एग्री? सो मतलब वो तो दो लाइन का अगर लिखना चाहो तो दो लाइन में उसका आंसर आएगा, बट अगर लिखना चाहो तो बड़े में भी लिख सकते हो, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट मोस्टली आई विल प्रेफर कि प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है तो वी शुड नॉट डू सो मच हार्ड वर्क, वी कैन यूज आवर थ्योरम्स एंड एवरीथिंग। इज दैट ओके? ओके, एनीवन एल्स? एंड वो प्रूफ किया क्या, इफ मॉड एफ इज इंटीग्रेबल देन वेदर एफ इज इंटीग्रेबल और नॉट, ये सब भी हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। एक ही एग्जाम्पल सब पे काम करता है, दैट इज डिरिचलेट फंक्शन। डिरिचलेट, यस, रैशनल पे कुछ और इरेशनल पे कुछ और। मॉड के लिए तुम क्या करो, वन और माइनस वन ले लो, मॉड एफ क्या आएगा, वन हो जाएगा, दैट इज इंटीग्रेबल, और डिरिचलेट तो दैट इज नॉट इंटीग्रेबल, हो तो बताइए। इज दैट ओके? एंड प्रूफ करने भी आना चाहिए डिरिचलेट क्यों इंटीग्रेबल नहीं है, बिकॉज उसका कोई भी इंटरवल में ले लो, देयर विल हैव अ रैशनल इरेशनल, दोनों रहेंगे। रैशनल पे है तो अगर वन बोला है तो वन, मिनिमम विल बी माइनस वन एंड मैक्सिमम विल बी वन, लाइक दैट।